छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद का दंश झेल चुकी आदिवासी छात्राओं के लिए बिलासपुर में पढ़ने और रहने की व्यवस्था की है, लेकिन विद्यालय की प्रिंसिपल और अधिकारी अपनी मनमानी कर छात्राओं को परेशान करते हैं, जिसके खिलाफ अब छात्राओं ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। छात्राओं ने जिले के कलेक्टर से मिलकर प्रिंसिपल की शिकायत की है और उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। छात्राओं का आरोप है कि इन्हें ना तो पीने का साफ पानी मिलता है और न ही सही खाना, ऊपर से इन पर तुगलकी फरमान जारी कर दिए जाते हैं, इन्हें मोबाइल फोन और इंटरनेट के प्रयोग से भी वंचित रखा जाता है। मतलब मानसिक दबाव दिया जाता है, एकदम कुछ भी कंप्लेन करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं तो बोलते हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं, ऐसा टाइप का। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रिंसिपल को हटाना चाह रहे हैं। अब क्या आश्वासन मिला, उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? पता नहीं सर, मतलब कलेक्टर सर बोले हैं, अब वो जानेंगे। कौन है प्रिंसिपल आपके यहाँ? जय सिंह। वहीं इस मामले पर आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त सीएल जायसवाल का कहना है कि कलेक्टर संजय अलंग ने छात्राओं की समस्याएं सुनी हैं और उन्हें 3 दिनों के भीतर पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बच्चों की शिकायत वही प्रबंधन को लेकर थी, वहाँ पर कुछ प्रिंसिपल को लेकर शिकायत थी उनकी। खाना नहीं, उनका ये कहना था कि हमको मोबाइल यूज़ करने नहीं दिया जाता है। अभी फिर कलेक्टर साहब सर ने ये कहा है कि 2 महिला जो डिप्टी कलेक्टर हैं अपने कलेक्ट्रेट में, उनको कहा है कि वो जाएंगे और बच्चों से बात करके और वहाँ व्यवस्था देख के फिर उनकी तरफ से रिपोर्टिंग होगी, इसके बाद कार्रवाई होगी। और मतलब जो भी छन के आएगा जो भी, तो उसमें तो कार्रवाई निश्चित होगी। एक ओर जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के ऐसे लचर रवैये के कारण छात्राएं परेशान हो रही हैं। न्यूज लाइव सीजी के लिए बिलासपुर से रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com www.newslivempcg.com।